गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आपका एक और वीडियो में। अभी मैं हूँ कफनू गांव में। शिमला से 200 किलोमीटर या 210 किलोमीटर के आसपास है। और आप जब भी किन्नौर में आओगे, भाभा वैली की तरफ आओगे, तो ये उसका बेस कैंप है एक तरह से, भाभा पास ट्रैक करने का। तो मेरे को यहाँ पे लगभग 2 या 3 दिन हो गए आए हुए। अभी मैं जा रहा हूँ कफनू से यांगपा की तरफ। यांगपा एक इस एरिया का सबसे बड़ा गांव है, जो कि लगभग सी लेवल से आई थिंक 2700 मीटर्स की हाइट पे है। पुल को क्रॉस करते हुए मुझे सामने ऊपर चढ़ाई चढ़नी है। ऊपर एक रोड जा रही है सीधा आगे यांगपा के लिए, जो इस तरफ दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे गांव है, यांगपा गांव है। एक्चुअली यांगपा के दो पार्ट हैं, यांगपा वन और यांगपा सेकेंड। यांगपा वन जो कि ऊपर की तरफ है। चलिए चलते हैं। ये सीधे यहाँ से रोड जा रही है आगे की तरफ, इस तरफ ऊपर। तो रोड लगभग 4 या 5 किलोमीटर आगे तक है, उसके बाद फिर आपको पैदल ही ट्रैक करना होता है ऊपर मुलिंग के लिए, जो कि भाभा वैली के बिल्कुल बीचों बीच है। तो ये नीचे रह गया कफनू गांव। और ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है इस डैम का। तो ये नीचे से ये रोड है, यहाँ से जिग जैक रोड है पूरी। ये देखिए यहाँ से आती हुई, अभी इस पर काम ही चल रहा है, कच्ची रोड है। रोड वैसे यहाँ तक है नीचे तक, इसके बाद ये अभी टूटी फूटी रोड है। और ये कनेक्टिविटी होती है इसकी यहाँ पर। और ये जो यहाँ से रोड आ रही है, ये आ रही है लगभग इस जगह से 2 किलोमीटर आगे एक होम स्टे है, भावापिन होम स्टे। लगभग उसके आसपास ही रोड ऊपर की तरफ कटती है यहाँ के लिए, जो कि यहाँ पर आके इस जिग जैग रोड से यहाँ पर मिल रही है। आगे जो रास्ता है ये सिंपल आपका यांगपा की तरफ निकलता है। इस तरह का रास्ता है आगे जाने के लिए, कच्ची रोड है अभी। और ये इधर सेब के बगीचे हैं, और लगता है गांव स्टार्ट हो गया यहाँ पे भी। तो मैं ये कह रहा था कि बादल लगे हुए हैं, मौसम अगर ख़राब हो गया तो, क्योंकि ये चल रहा है दिसंबर का महीना, और अगर मौसम ख़राब हो गया तो स्नोफॉल होने की पॉसिबिलिटी है आजकल। कुछ स्टार्टिंग के मकान दिख रहे हैं यहाँ से, जो मेन गांव है ऊपर दिख रहा है यहाँ से सामने। स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। ये क्या चीज है? मंदिर है। मंदिर? किस चीज का मंदिर है ये? महेश्वर जी का मंदिर है। महेश्वर जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और ये इधर गांव स्टार्ट हो गया यहाँ से ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो अंदर जाने का रास्ता ये यहाँ से ना? यहाँ से? अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये भी काम चल रहा है ना इधर अभी? अच्छा, नए नए बन रहे क्या ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे? पुराना है कोई? पुराना ही है। अच्छा, आप यहीं से हो? कहाँ से? अच्छा, बढ़िया। और कुछ है यहाँ पे देखने लायक? और एक मंदिर ऊपर है जो टॉप में दिख रहा। अच्छा, वो किस चीज का है वो? कौन सा? नाग देवता। नाग देवता, अच्छा बढ़िया। बौद्ध टेम्पल कहाँ पे? अच्छा, ये यहीं पे दिख रहा जो? अच्छा ठीक है। कहाँ से आए? मैं आया हूँ उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हुआ? हाँ जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। ओके, मैं ऊपर ही निकलता हूँ। अच्छा, रास्ता कहाँ से होगा वहाँ जाने का? अच्छा, यहाँ से ऊपर? अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो ये जो ऊपर टॉप में दिख रहा है लगभग यहाँ पे, ये है नाग देवता का मंदिर। वो ये मेन रोड है, ये यहाँ से आ रही है, इसका रास्ता निकल रहा है यहाँ से। ये बोर्ड लगा है सामने गाँव का, यहाँ से ऊपर।
तो अभी सबसे पहले नाग टेम्पल देखता हूँ, फिर जाता हूँ यहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल एक। और ये देखिए कुछ इस तरह का रास्ता है आगे जाने का, ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर अब दिख रहे हैं यहाँ पे जो पुराने मकान हैं। यहाँ पे टेंपल, लेकिन गेट बंद है इसका, पता नहीं अंदर जाना अलाउड होगा या नहीं होगा, पता करते हैं किसी से। तो दोनों टेंपल बंद है यहाँ पे, ये वाला भी और एक जो ये है यहाँ पे, ये सुबह के टाइम पे खुलते हैं जब यहाँ पे पूजा होती है, बाकी दिन भर ही बंद रहते हैं। शाम के टाइम पे भी कोई लोकल फेस्टिवल हो तभी ये ओपन होते हैं, अदरवाइज दिन में बंद रहते हैं पूरे। और ये देखिए सामने व्यू देखिए आप, और ये जो सामने जो एरिया दिख रहा है यहाँ से, ये मेरे ख्याल से जो बुरान पास है वो वाला एरिया शायद, इसके पीछे रोहड़ हो सकता है, ये लगभग गांव भी एंड हो गया यहाँ पे। इसके बाद नीचे लास्ट में एकदम डाउन में कट गांव दिख रहा है, और ये है यहाँ पे सेब का बगीचा। नीचे उतरते हैं यहाँ से, ये सीढ़ियाँ हैं इधर नीचे जाने की। ये आपका ही है पूरा खेत? अच्छा, ये क्या कर रहे हैं अभी आप इस पे? नए पौधे हैं ना ये। अच्छा, ये काट रहे होंगे आप इसको? हाँ, नहीं कटा रहा था, थोड़ा थोड़ा नए हो गए ना, सड़ गए ना यहाँ। अच्छा। हाँ, पहले था ना, सड़ गए कुछ, अब नए नए बनाए हुआ। सेब के काफी पेड़ दिख रहे हैं इधर ना पूरा, ये देखिए ऊपर। हाँ, यहाँ ऊपर तक है, वहाँ ऊपर तक है। हाँ, लास्ट तक दिख रहे हैं ऊपर तक, यहाँ से परले साइड को है। अच्छा, ये जो इसका एरिया दिख रहा है, जो ये जो रोड नहीं है आधा तक है, वहाँ से परे पैदल है, लोग आए जाते रहते हैं। अच्छा, एक रोड तो नीचे से भी आ रहे थे, एक नीचे से भी है, एक ये भी है, हम लोग यहाँ से पैदल जाते हैं आधा से। अच्छा, तो लास्ट कहाँ तक जाती है वाली रोड? रारंग बोलते हैं हम लोग ना ये। अच्छा, मंदिर बंद क्यों रखा अभी? सवेरे किया होगा 10 बजे। अच्छा, सुबह पूजा होती होगी फिर बंद जाता है पुजारी, और दूसरा देवता वाला होगा, अंदर देवता होते थे ना पहले। अच्छा, जैसा बड़े मेला होता है ना, ज्यादा होता है इसके अंदर होते हैं। ये सोचो 4 या 5 दिन हो गया होगा, पूरा गांव से आते हैं, ऐसा नीचे तक आते हैं, कड़गांव तक ना। अच्छा अच्छा, कड़गांव से यही देवते होते हैं, फिर ये गांव का है, फिर कड़गांव में का पूरा बाबा वेली का होता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये हर साल इसी टाइम पे होता है जो आप कह रहे हैं, 1-2 दिन पहले हुआ? ये हो जाएंगे, अब जिस दिन निकालेंगे उस दिन निकलेंगे, गाँव वाले आधा हो देंगे थोड़ा बहुत। आप लोग सब्जी क्या क्या उगाते हो यहाँ पे? ये लगाया हुआ था और ये सेब सूप लगाया था ज्यादातर, इस साल तो नहीं होते, राजमा रूजमा होते ना। अच्छा, जैसा ये राजमा है ना, ये यहाँ लगाया था मैंने, जो निकाला था मैंने राजमा, हेरो तो ये वाले थे, अलग अलग राजमा थे, ये इसी जगह में थे, इन्हीं में निकाला था मैंने, कलरफुल एकदम अलग। हाँ, ये वाला जो है ना लाल होते है ना, हरा हो गए हुए हैं, जैसा ये खेत निकाला हुआ नहीं, ये जो राजमा लगाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, खत्म हो गया। और अच्छा, ये लहसुन भी लगा रखा है? लहसुन है वो बहुत लगा हुआ मैंने खेतों में, यहाँ लोग नहीं बहुत काम लगा रहे ना। लहसुन हो गया, राजमा और ये पत्ता गोभी। हाँ, ये लहसुन मैंने तैयार किया हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो लगा है मटर लगाया हुआ मैंने। अच्छा, हाँ, ये छोटे छोटे हैं अभी। हाँ, अब तैयार हो जाएगा, ये जनवरी फरवरी में तैयार हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? उदय सिंह। ठीक है। गाँव यंगपा फर्स्ट, 9059-44464। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। आपने इसी में व्हाट्सएप करना, कभी मैं आऊंगा दोबारा तो आपको कॉल करूंगा फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वहाँ रेस्टोरेंट वाले भी बोल देना, कभी मेरा नाम बोल देना वहाँ। ठीक है, ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। कष्ट है आपको यही से ना? ये है ना यहाँ से? ठीक है, ठीक ठीक। तो ये थे उदय सिंह जी, जो कि यहाँ के लोकल बंदे हैं, और अब निकल रहा हूँ मैं नीचे, जो बुद्धिस्ट टेम्पल है यहाँ पे उसकी तरफ निकलते हैं, वहाँ देखते हैं
वहाँ पे क्या क्या देखने लायक? ये है यहाँ पे बुद्धिस्ट टेंपल, ये भी लग रहा है यहाँ पे कोई है नहीं शायद, गेट इसका भी बंद है, दिन के टाइम पे कोई नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। उदयन तेंगलिंग मॉनेस्ट्री, ये है यहाँ पे मॉनेस्ट्री, अंदर मुझे तो लगता नहीं कोई है यहाँ पे, बट बाहर बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ। धूम्रपान वर्जित है, ये इसका अंदर का व्यू है, कोई दिख नहीं रहा यहाँ पे भी। ये इसका मुख्य द्वार, ये भी बंद है। तो ये है यहाँ पे बुद्धिस्ट टेंपल, जो कि यहाँ पे कुछ हिस्ट्री मैं इसकी जानना चाह रहा था लेकिन कोई बताने वाला है नहीं यहाँ पे, तो अभी मैं निकलता हूँ। फिर नीचे जो यांगपा सेकंड है, यांगपा सेकंड गांव है जो यहाँ पे, उसकी तरफ निकलता हूँ। उसके लिए मुझे नीचे जो गांव को जोड़ने वाली जो मेन रोड है वहाँ पे जाना पड़ेगा, और वहाँ से एक रास्ता है नीचे जाने के लिए, तो बाकी पूछता हूँ नीचे जाके किसी से रास्ता, एंड देन फिर मिलते हैं नीचे रास्ते में। मेन रोड इस तरफ जा रही है और ये नीचे सीढ़ियों से, वहाँ से नीचे यांगपा सेकंड जाने का रास्ता है। गांव की स्टाइल तो कुछ इस तरह से है कि ट्रेडिशनल घर भी हैं यहाँ पे, लेकिन लोगों ने मॉडिफाई करके थोड़ा नए कर दिए हैं वो, बाकी जो कुछ ज़्यादा ही पुराने एकदम ट्रेडिशनल मकान वो बहुत पुराने हो चुके हैं, इनकी मेंटेनेंस भी मुझे कुछ खास नहीं लग रही यहाँ पे। पूरे घर में कोई नहीं दिख रहा यहाँ पे, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। ये कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ हैं इधर नीचे जाने की, गांव के जो ऊपरी इलाका है उसमें हमें। अरे ये कहाँ से आ गया, एक छोटा सा पहाड़ी डॉगी दिखा मुझे, एकदम हुष्ट पुष्ट। तो नीचे अभी यहाँ के कुल देवते हैं गांव का, उनका टेंपल है, उस तरफ निकलता हूँ मैं, क्योंकि ऊपरी इलाका लग रहा है मुझे गांव का। मुझे रास्ता मिल गया है नीचे की तरफ, और नीचे गांव का जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी तरफ। नमस्ते आंटी जी, आप यहीं से हो? हाँ जी। अच्छा, लकड़ी लेके कहाँ से आ रहे हो आप? बस स्टैंड पे, गाड़ी में। नीचे? अच्छा, यहाँ पे। अच्छा ठीक है, नीचे मंदिर कहाँ पे कुलदेवता का? ये रास्ता नहीं, ये मकान है ना। अच्छा यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, वहीं से परे जाना, परे जाके फिर नीचे। अच्छा, उस तरफ दिखता है, यहाँ दिखता है मंदिर, दिखता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आप कहाँ जा रहे हो? कटगांव। अच्छा अच्छा नीचे नीचे कोई रास्ता है उधर सामने जाने का? उधर यहाँ नीचे से कोई रास्ता है सामने जाने का, उधर कफनू जाने का? अभी तो यही रास्ता है। अच्छा, वहाँ से फिर इधर आना पड़ेगा, नीचे से रास्ता होगा फिर? नहीं है, यही रास्ता है, फिर नीचे पतन लगेगा बगीचे से ना रास्ता। अच्छा अच्छा ठीक है, खेत से वो नहीं लगेगा, ये मेन रास्ता है। अच्छा ठीक है, और जो मंदिर है यहाँ पे कुलदेवता का, इधर है? इधर से आओ, ये मंदिर है, वहाँ से नीचे से आओ, एक रास्ता नीचे से आओ। ठीक है, मंदिर देखना है तुम्हें, आगे जाओ ना वहाँ से। ठीक अंकल जी, धन्यवाद।
तो अभी मैं हूँ यांगपा सेकंड में, और ये आप जो देख रहे हैं इधर, ये है कुलदेव नारायण मंदिर, जो कि यहाँ का एक कुल देवता का मंदिर है। मंदिर तो अभी बंद है, गेट भी बंद है, और अंदर पता नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे। टोपी गाची और दौड़ू के बिना अंदर जाना सख्त मना है। दौड़ू पता नहीं क्या चीज़ें होती, गाची व दौड़ू। ये मंदिर के अंदर का सीन है। मेन जो यहाँ का जो टेंपल है वो तो बंद है, यहाँ पे दरवाज़ा। बाकी ये मंदिर परिसर है, छोटा सा हवन होता होगा शायद यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है शायद यहाँ पे। नमस्ते, कैसे हो आप? नहीं, मैं बाहर से आ रखा हूँ, बाहर से आ रखा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ इधर। अंग्रेजी? ना ना ना, उत्तराखंड का हूँ मैं। हाँ जी, ना ना कोई नहीं, बस ऐसे घूमने गांव में, घूमने को घूमने आ रखा हूँ बस। ठीक है बेटी, ठीक है ठीक है। ये आपका घर इधर? ये घर, ये लड़का का है, ये। अच्छा, मैं तो ऐसे देखने आया था। अभी ऊपर वाला जो दूसरा है ना यांगपा, पहला जो ऊपर वहाँ गया था, अभी इधर आ रखा हूँ नीचे। ठीक है बेटी। अभी नीचे कहाँ, क्या क्या है नीचे घूमने के लिए? अच्छा, ये इतना ही है, फिर यहाँ से सीधा रोड। हाँ, नीचे से सीधा रोड है बेटी, जो ये सामने दिख रही, जो सीधा पर वो बड़ा पुल है। अच्छा अच्छा, वहाँ निकलेगी बैठो, नहीं तो चाय बनाओ। ना कोई बात नहीं, धन्यवाद। बैठो बेटे। नहीं, मैं चाय पी ली थी मैंने ऊपर अभी। अच्छा, किसकी पास है? नहीं, ऐसे होटल में पी थी मैंने चाय। होटल तो नहीं है इधर, ऊपर। हाँ, ऊपर ऊपर, हाँ वहाँ रुका था मैं एक जगह। फोटो निकाल रही। हाँ, वीडियो बना रहा हूँ बस इधर है सबका। ठीक है ठीक है, हमारा बुढ़ा काल भी बना दिया आपके, वीडियो बना रहा हूँ, देखो तब से लेकर। ठीक है बेटी, ठीक है आंटी जी, धन्यवाद। चाय पी के जाओ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा फिर दोबारा कभी आऊँगा। आना आना कभी। हाँ जी हाँ जी, इतना पहचान होगी ना। नहीं, क्यों नहीं पहचानूँ मैं आपकी। आना। अच्छा, ये बढ़िया है, बढ़िया है। आना ना बेटे, चाय चुए पीना, फिर घूम के जाना है ना। आना, साथी है आपके, साथ वाले है ना? अकेला हूँ मैं। ठीक है बेटे, ठीक है, ठीक आंटी जी, ठीक है। आंटी जी मिली थी मुझे अभी, ऐसे अपने घर में बैठी हुई थी, चाय के लिए पूछ रही थी मुझे, लेकिन अगर चाय पीता मैं तो उनको फिर चाय बनानी पड़ जाती, दिक्कत हो जाती थोड़ी, क्यों उनको परेशान करना फिर। तो अभी देखते हैं आगे आगे कितना है यहाँ घूमने के लिए। अभी तो इस पॉइंट पे आके जो यांगपा सेकंड है वो भी ख़त्म हो जाता है, और ऊपर जो था यांगपा वन वो ये यांगपा टू, दोनों में अगर कंपेयर करें तो यांगपा वन मुझे ज़्यादा बड़ा लगा एरिया के हिसाब से। और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यांगपा वन में एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, और एक जो नाग देवता का मंदिर था वो मैंने आपको दिखाया, जैसे कि यहाँ पे जो लोकल कुल देवता होते हैं नारायण मंदिर वो था। तो ये एक कच्ची रोड है यहाँ गांव आने की, यांगपा टू आने की, जो नीचे कफनू वाला जो मेन रूट है सीधा नीचे से वांग टू से ऊपर कफनू को जाता है, तो वहीं से ये कनेक्टिविटी हो रखी है सारी इन गांवों के लिए। तो अभी कच्ची रोड है, लगभग दोनों गाँव घूमने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी आप ठहरना चाहते हो तो यांगपा टू में तो कुछ मतलब मिलेगा नहीं आपको ठहरने के लिए, अगर कोई जान पहचान वाला नहीं है आपको। तो अगर होम स्टे वगैरह चाहिए तो शायद यांगपा फर्स्ट जो है वहाँ मिल सकता है। अगर आप एक रात गांव में बिताना चाहते हैं और शांत शांति के बीच में एकदम, फिर वहीं से आप इधर यांगपा टू में आके यहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं दोनों गाँव में, लगभग 10 या 15 मिनट में आप कवर कर लोगे वो।
आगे जाके ना, अच्छा अच्छा बाजार से जाए तो भी सीधा, अच्छा ठीक है, नीचे ऊपर होगा बाजार से भी है। आप कहाँ के? मैं उत्तराखंड। अच्छा आप यहाँ यंग टू यंग पार्ट हूँ। उत्तराखंड क्या काम है आपका? क्यों घूमने आए? ऐसे घूमने आया था मैं। अच्छा मुलिंग गया था मैं कल। अच्छा मुलिंग तो बहुत ठंड है वहाँ पे। ठंड है आजकल तो, बरसात में आना चाहिए ना, गर्मी में। हाँ आपका फोटो बना रहा हूँ मैं, देखिए। ठीक है आंटी जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पुल है जो ऊपर यांग पा टू से जो सड़क आ रही है तो उसको इस ये पुल बना है इस भाभा रिवर के ऊपर। ये नीचे भाभा रिवर है। अब ये जो रोड है ये आगे मिलेगी, जो मेन रोड है जो वांग टू से ऊपर कफन वैली जाती है। तो यहाँ से यांग पा टू के लिए कनेक्टिविटी है और यांग पा वन के लिए कफन मार्केट से लगभग 2 किलोमीटर आगे जाके वो रोड भी आगे जाके वहीं यांग पा वन में मिलती है। ये देखिए जब पुल ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से ये मेन रोड है।